हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक ऐसा फेस पैक जो इस समर में आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सच में दोस्तों, ये फेस पैक आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा, स्किन पर नेचुरल ग्लो लेकर आएगा, एक्ने एंड ब्लेमिशेज जैसी प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करेगा। इसके साथ ही ये आपकी स्किन में होने वाली सन टैनिंग, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। और इस फेस पैक का यूज़ बॉयज़, गर्ल्स, मेल, फीमेल, अंकल, आंटी हर कोई कर सकता है। तो इतने सारे इस फेस पैक के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए दोस्तों। तो अगर आप भी अपनी स्किन पर ये सारे बेनिफिट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही उसको फॉलो भी करना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सो इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले एक मीडियम साइज का बीटरूट मींस चुकंदर, और इसको आपको अच्छे से वॉश करके, पिल ऑफ करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब आपको इसे मिक्सर जार में डाल लेना है और इसमें 2 चम्मच के लगभग आपको रोज़ वाटर को ऐड करना है। बस अब इसको आप ब्लेंड कर लीजिए और आपका ये पेस्ट बनकर रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से छान लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से एक बाउल लेना है और उसमें 1 चम्मच संतरे के छिलकों का पाउडर ऐड करना है। दोस्तों ये मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। संतरे के छिलके से आप पाउडर कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच गेहूँ का आटा, इसकी जगह आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें आपको जो जूस हमने अलग निकाल के रखा था चुकंदर का, वो 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए आपका मैजिकल फेस पैक बनकर रेडी है, जो कि दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये काम भी इतना ही सुंदर करेगा आपकी स्किन में। तो इस फेस पैक का यूज़ आप अपने फेस, नेक, हाथ, पैर कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी और इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पर एक नेचुरल पिंक ग्लो आ जाएगा। दोस्तों विटामिन सी से भरपूर बीटरूट और ऑरेंज जो है आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन को डीपली क्लीन करके ब्राइटन इफेक्ट देता है, स्किन को हेल्दी रखता है। साथ ही अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये उनको भी रिड्यूस करेगा। एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए तो बीटरूट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मतलब लगभग ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस समर आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बनी रहे तो उसके लिए आप इस फेस पैक का यूज़ हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें दोस्तों, फिर रिज़ल्ट देखें। तो ये मैंने अपने पूरे फेस पर लगा ली। अब 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने तक इसका वेट करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है। तो मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं मैं जस्ट फेस वॉश करके आ ही रखी हूँ। और सीरियसली फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा कितना अच्छा ग्लो मेरे फेस पर दिख रहा है। तो आप इसको आज ही ट्राई करके ज़रूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि उससे मिलती है मुझे ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाने की। और अगर ऑलरेडी आपने वीडियोस को लाइक कर दिया है तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार दोस्तों। तो मिलती हूँ आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।